हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं नेहा के ससुराल यानी कि मेरा गांव। यहां पड़ता है महादेव का मंदिर जिसे कहते हैं महाकालेश्वर। आज हमारी पहले वहां पूजा है। पंडित जी हमारा वेट कर रहे हैं, हम पहले से ही लेट हैं। और नेहा की रास्ते में हम हो गई थी वॉमिटिंग, इसको आदत नहीं है। कह रही सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है तो मेरे को क्या वॉमिटिंग होगी, लेकिन इसको थोड़ी बहुत वॉमिटिंग हो चुकी है। यार उदास उदास सी चल रही है। अब चलते हैं महादेव मंदिर शिवालय, फिर दिखाते हैं वहाँ पे कैसा है। पहले देख लेते हैं साथ में कौन कौन है। ये है हमारी मम्मी, उसके दो भतियाऊ हमारे गांव तो मम्मी के ही गांव के यार के हैं दो लड़के, और ये पिताजी। चाचा जी चाबी लेने गए हैं। दूसरा वाला मंदिर है हमारा गोलू देवता का, वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे भी अब ताला लगने लग गया है। पहले ताला नहीं लगता था, लेकिन यह है कि अब ताला इसलिए लगने लग गया है कि अभी रिसेंट में वहाँ चोरी हुई है भगवान के मंदिर में, तो इसलिए अब गाँव हर गाँव में एक एक चाबी है। यहाँ यहाँ शिवालय है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है हमारे गांव का। तो आप क्या मांगोगे यहाँ पे? क्यों बताऊँ, बताने से विश पूरी नहीं होती, जब हो जाएगी पूरी फिर बताऊँगी। सो गाइस, ये है शिवालय मंदिर, हमारे गांव का प्रसिद्ध मंदिर है। ये जब आते हैं तो हम यहीं सबसे पहले जाते हैं, फिर उसके बाद गाँव जाते हैं। ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, ये रास्ते में पड़ता है। इसकी खासियत है यहाँ का पानी, देखो भगवान। सो हम मंदिर में आ चुके हैं, एंट्री हो गई हमारी। यहाँ का खासियत जो है वो इस पानी से है, थोड़ा कम हो गया इसका। अभी थोड़ा इसका जो स्रोत है वो कम हो गया है, बट पहले बहुत ज़्यादा था, गड्ढा कर रहे थे पानी। दूर दूर से लोग इसे यहाँ देखने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इसको देखने में कुछ मान्यता है। हाँ सॉरी, इसकी मान्यता है तो लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ तक पता नहीं चला कि पानी कहाँ से आता है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। स्टार्ट हो गया। अभी हम यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, अनु भी तैयार हो रहे हैं, धोती पहन रहे हैं वो और मैं हो चुकी हूँ, मैंने पिछौरी पहन ली है और मुझे नथ पहननी है अभी। और पापा लोग सब तैयारी कर रहे हैं पीछे पूजा की। मम्मी नहा रही है, यहाँ पे नहाना मतलब अच्छा होता है बोलते हैं। अभी हम पूजा के लिए बैठेंगे,
पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम जा रहे हैं वापस दूसरे मंदिर। ये मम्मी के लिए डोली आ चुकी है। ना पानी है ना पूछता, और यहाँ कौन पूजा करेगा? फिर एक बाबा पैदा हो गए, बाबा मिल गए एक लौटे ही। तो सुन लो, उनको बोला भाई ऐसी ऐसी बात है पानी का, अब बोल सपनों में बता तो दिया शिवालय बनना चाहिए, मगर कहाँ पर बनना चाहिए ये नहीं बताया। फिर दूसरी बार उनको फिर सपना आया, उन्होंने कहा पानी का जब उन्होंने सपना करा होगा तो उन्होंने कहा मैं ऊपर यहाँ एक नाला है पानी का, किसे गुड़गांव बोलता हमारे मंदिर के जो ऊपर मंदिर है ना उसी नीचे गांव है हमारी बिरादर है, वहाँ से आते पानी। उन्होंने कहा मैं उस पानी में वो डालूँगा बुरादा, तेल लगाया था ना जिसको बुरादा, जहाँ वो पानी निकलेगा जो पानी में बुरादा डाल के भेजूंगा, जहाँ वो बाहर निकलेगा वहाँ पर मंदिर बनेगा। तो उसने देखो ये गांव हुआ, पीछे गांव हुआ, इतनी बड़ी पहाड़ी हुई, और वहाँ से उसने बाहर आया तो यहाँ छेद हो गया, यहाँ वो घास निकली जहाँ ये पानी निकल रहा है, तब यहाँ मंदिर बना। फिर यहाँ ये बाबा मिल गए लौटा, उसको भी जमीन वो जमीन के खेत वगैरह उनको दिए, उनके नाम पर करे, ये पूरी तरह उन्हीं की।
ये दान में दिए हुए थे तो बड़े महान हो इसलिए इनको दान में दिए थे हमारे गाँव में। तो अनु कह रहे थे कि मतलब यहाँ से वो भी आए तो साइंटिस्ट भी आए थे इसका पता करने के पानी का स्रोत कहाँ से है इसका। ये पीछे गाँव में है। अच्छा पीछे का ये बहुत पुरानी गाँव होता है ना आज की थोड़ी गाँव ही मगर अब जो लोग इसका देखते हैं कि कहाँ से निकला है कैसे हुआ ये बीच में कैसे निकला उसका फोर्स करते हैं फोर्स करने के लिए जाते रहते हैं।